हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन। हम माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं आपके बीच इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक बहुत ही एडवांस और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स लेके आता हूँ जिनका इस्तेमाल आप करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। चलिए देखते हैं, हम अपने पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया है। जी हाँ, आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होंगे आपके? आई यू वी दे ही सी इट नेम दिस दैट दिस दोस, ठीक है। उसके बाद हम मेनली जिस चीज की बात कर रहे हैं और जिस चीज को मैंने मेंशन किया है थंबनेल में, वो यहाँ पे इस तरीके से रखा जाएगा, वुड ऑफन, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। देन अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हिंदी क्या निकल कर आएगी? कभी कभी करता था, ठीक है। क्या? कभी कभी करता था, जिसमें आप अपने पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। पहला एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से है, आई वुड ऑफन गो टू टेम्पल। जी हाँ, सही सुना आपने, आई वुड ऑफन गो टू टेम्पल। देखिए, जैसा कि हिंदी हमारी कभी कभी करता था, पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी कि पास्ट की आदत को दिखाने के लिए हम वुड ऑफन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वैसे तो वुड यहाँ पे बताता है पास्ट के एक्शन को, ठीक है। ऑफन तो कभी कभी के लिए यहाँ पे लगा है, समझ गए आप। वुड है वही ता था यानी करता था को वुड दर्शा रहा है यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में वुड का काम अलग है और ऑफन का काम अलग है। ऑफन कभी कभी, वुड करता था की सेंस दिखाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार अपनी पहले सेंटेंस की हिंदी क्या कहती है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई वुड ऑफन गो टू टेम्पल, मैं कभी कभी मंदिर जाया करता था, मैं कभी कभी मंदिर जाया करता था, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप देखिए ना, मैं कभी कभी मंदिर जाया करता था, तो कभी ना कभी जाया करता था, तो ये कहीं ना कहीं हुआ ना पास्ट हैबिचुअल एक्शन के अंदर, यानी कि मेरी पास्ट आदत हुई ना, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने सेंटेंस को फ्रेम किया है, सी वुड ऑफन मीट मी, वो कभी कभी मुझसे मिला करती थी आफ्टर हर ट्यूशन क्लास, अपने ट्यूशन क्लास के बाद, ठीक है। दोबारा से सुनिए, शी वुड ऑफन मीट मी आफ्टर हर ट्यूशन क्लास, ठीक है। वो अपने ट्यूशन क्लास के बाद मुझसे कभी कभी मिला करती थी, कभी कभी मिला करती थी, ठीक है। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से है, वी वुड ऑफन सेलिब्रेट द पार्टी, हम कभी कभी पार्टी सेलिब्रेट किया करते थे, हम कभी कभी पार्टी सेलिब्रेट किया करते थे। जी हाँ, इसी प्रकार से हमारा लास्ट का जो चौथा सेंटेंस है, जो कि मैंने इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख के बनाया है, ठीक है। आपको पता ही होगा टेलालाई का मतलब क्या होता है, टेलालाई का मतलब होता है झूठ बोलना। चलिए देखते हैं क्या कहता है, राम वुड ऑफन टेलालाई टू मी, राम था, जो राम था वो मुझसे कभी कभी झूठ बोला करता था, राम वुड ऑफन टेलालाई टू मी, ओके। तो यहां तक और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने इन सभी सेंटेंसेस को फ्रेम किया। देखिए, यहां पे वुड ऑफन आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया। इसी प्रकार ऐसे ही इस्तेमाल करके आप किसी भी सेंटेंस में वुड ऑफन का यूज कर सकते हैं जब आपको बात अपने
पास्ट हैबिचुअल एक्शन की करनी हो, ठीक है, जिसमें आप पास्ट को दिखाना चाहते हो। ठीक है, चलते हैं दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।